हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सिहाब चौधर के बारे में, जो कि आप सब जानते हैं। और आज के टाइम में कौन है जो ऐसा उनको नहीं जानता। ये बंदा पैदल हज के लिए रवाना हो चुका है। 8,640 किलोमीटर की दूरी बाई रूट बाई वॉक जाने के लिए तैयार है और जा निकल चुका है घर से। और सभी लोग इतना रास्ते में उनका अभिनंदन कर रहे हैं, हार्दिक स्वागत कर रहे हैं और हारों से फूलों से लोग उनके उनका स्वागत कर रहे हैं। आखिर ये बंदा क्यों हज के लिए पैदल निकला है और क्या वजह हो सकती है, या कोई विश है, कोई इच्छा है, कोई मुराद है, कोई वजह तो है। तो ये सब हम जानने वाले हैं आगे वीडियो में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल द टू हिट्स में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि डेली आने वाली सिहाब भाई के बारे में वीडियो के का अपडेट आपको मिलता रहे। और आप डेली डेली ये जान चुके हैं कि आज वो उन्होंने कितना सफ़र तय किया, आज वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आगे हम सब कुछ डिटेल्स में जानने वाले हैं, इंशाल्लाह सब कुछ बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्वागत है फिर से एक बार गाइस। तो आज हम बताने वाले हैं, ये केरल के रहने वाले हैं सिहाब चौधर, जो कि 22 जून 2022 को घर से निकले हैं हज यात्रा के लिए। और इनकी जो यात्रा है वो 23 जून 2023 तक है, यानी कि ये 2023 के हज के लिए निकले हैं। 2023 में हाजियों के साथ ही हज करेंगे। और डेली का जो इनका सफ़र है वो 30 किलोमीटर्स अप्रॉक्स, यानी 30 किलोमीटर डेली का इन्हें सफ़र करना है और उसके साथ डेली आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, ये बहुत ही हिम्मत वाला बंदा है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं मुरादाबाद में का रहने वाला हूँ। अगर मैं डेली इसके लिए भी अगर आता हूँ बाई बस, तो 3 से 4 घंटे लगते हैं और बहुत अच्छी सी थकान हो जाती है। मतलब आने के बाद पता नहीं चलता कि रूम पे कहाँ हम सो गए, पता नहीं चलता। और इस बंदे की हिम्मत देखिए, मैं दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ इस बंदे की हिम्मत को, कि 8,640 किलोमीटर की दूरी मतलब पैदल, और अल्लाह के लिए मोहब्बत देखिए, उसके हुजूर के लिए मोहब्बत देखिए कि इतनी दूर को पैदल जाने के लिए ये बंदा राज़ी हो गया। हम सब की दुआ है कि ये अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच पाएँ, आप सब भी दुआ कीजिए। और ये 22 जून 2022 को घर से निकले थे। दोस्तों, जब ये घर से निकले थे तो इनके घर का मंजर देखने वाला था। इनकी माँ और इनके फादर, इनके दोस्त, इनके भाई बहन सारे बहुत ही अच्छे से इनको विदा किया। माँ तो माँ ही होती है, माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन बाद में फिर उसको गले लगा के विदा किया और कहा कि बेटा जल्दी आना। और आज जहाँ जहाँ से भी ये गुज़र रहे हैं, जिस रास्ते से, जिस गली से भी ये गुज़र रहे हैं, तो सब लोग बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह इनका स्वागत कर रहे हैं। खाने पीने का इंतज़ाम हर जगह, होटल में, रेस्टोरेंट में, और लोग लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी है। और लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये बंदा अगर हमारी गली से गुज़र रहा है तो हमारे गले से, हमारे सीने से मिल के जाए, हम लोगों से बातचीत करे। हर कोई चाहता है कि उसके साथ एक फ़ोटो हो जाए, एक सेल्फ़ी हो जाए, एक वीडियो हो जाए। तो दोस्तों, कहना यही है कि जहाँ तक भी मेरी ये वीडियो पहुँच रही है, उन सबसे ये गुजारिश है कि सिहाब भाई ने अभी पीछे एक जगह होटल में, गुजरात में वो रुके थे, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी, पब्लिक लोग थे, जनता थी, उनके सामने ये उन्होंने कहा भी था कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है कि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे इतने साथ चल रहे हैं, उससे उन्हें और हिम्मत और जज्बा मिल रहा है, जुनून मिल रहा है चलने का। तो गुजारिश उन्होंने यही कहा था कि गुजारिश मेरी सबसे यही है कि कृपया मेरे रास्ते में न आए, मुझे रोकने की कोशिश ना करें लोग, क्योंकि लोग उनके साथ चल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी जो वो 30 किलोमीटर डेली चलने की एक उन्होंने लिमिट बनाई है, तो उसमें उनकी थोड़ी सी कमी रहेगी, तो वो हो सकता है कि थोड़ी लेट पहुँचें, या बाई चांस कोई दिक्कत रास्ते में हो, अल्लाह ना करे उन्हें कोई परेशानी हो, तो वो उसमें कोई दखल पैदा ना हो। इसलिए वो यही दुआ कर रहे हैं लोगों से, यही बोल रहे हैं कि मतलब आप कोई भी उनके रास्ते में ना आए, अगर आपको चलना है तो उनके साथ चलें, कोशिश करें कि मतलब उनके सपोर्ट करें। और वैसे तो आप सब लोग सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे, लोग बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत कर रहे हैं उस बंदे को, हमारे भी यही दिल से दुआ है। तो ये जो इनका सफ़र है, हम बात करने वाले हैं इनका सफ़र कहाँ से कहाँ तक का है। दोस्तों, इनका सफ़र है केरला से ये निकले हैं, और केरला से निकलने के बाद मुंबई, गुजरात और पाकिस्तान, इराक, ईरान, देन उसके बाद कुवैत, और कुवैत के बाद फिर ये लास्ट कंट्री सऊदी अरेबिया, यानी कि मक्का मदीना में एंट्री करेंगे ये, जो इनका ड्रीम सिटी है, मतलब जिसकी वजह से ये जा रहे हैं मक्का मदीना, अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने पैरों से चलकर जा रहे हैं। इस बंदे की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, पूरा हिंदुस्तान ही क्या, बल्कि पूरा वर्ल्ड आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस बंदे की, तो सब लोग यही मतलब इस बंदों की उसको सलाम कर रहे हैं कि मतलब काफ़ी हिम्मत है इस बंदे में कि 8,640 किलोमीटर दूर ये बंदा पैदल चल के, बाई रूट, बाई वॉक, बाई
बाई फोर्ट ये बंदा चल के जा रहा है और बिना रुके, बिना किसी के सहारे के, बिना किसी चीज़ पे बैठे। और सबसे ये गुजारिश है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, उनका हौसला बढ़ाएं। जिस जिस सिटी से भी निकल के जा रहे हैं लोग, उनका स्वागत कर रहे हैं। आप लोग से भी दुआ है कि आप भी उनका स्वागत करें। और अगर आपकी सिटी से होकर जाते हैं तो ये मौका दोस्तों बिल्कुल नहीं छोड़ें, और कोशिश करें कि मतलब वो आप उनसे मिल पाएँ, आप उनके साथ सेल्फी फ़ोटो ले पाएँ। बाकी मेरी भी इच्छा है, बट मैं जा नहीं सकता क्योंकि वो अब तो बहुत दूर निकल चुके हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगर मुलाकात हुई तो ज़रूर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे, उनसे आगे मिलने की कोशिश करेंगे, कैसे भी हो कॉन्टैक्ट हो। तो सबसे यही दुआ है कि वीडियो को आगे शेयर कीजिए, और सहाब भाई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। डेली अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा, सहाब भाई कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना सफ़र डेली का उन्होंने तय किया है, और आज कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ रुके हैं, किस रेस्टोरेंट में रुके हैं। आखिर में दोस्तों यही दुआ है कि उनके लिए सभी दुआ करें कि वो बंदा अपने हाथ पैर हर चीज़ की कुर्बानी दे करके मतलब अल्लाह की राह में 9000 समथिंग किलोमीटर चल के जा रहा है। एक साल का सफ़र है समथिंग। हम लोग एक दो दिन अगर पैदल चल लेते हैं तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है। बाकी अल्लाह ने हिम्मत दी है उस बंदे को कि इतनी दूर पैदल चल के जा रहे हैं, अल्लाह के मदीने में, मोहम्मद के शहर में जा रहे हैं, जिसका हम लोग सुनते हैं, आप सब लोग ने सुना है, मोहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है, मोहम्मद के शहर में। तो वो बंदा वहाँ पर जा रहा है, तो सबसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें। और उस वो भी सहाब भाई भी रास्ते में सब लोगों को ये बोल के जा रहे हैं कि मैं भी सबके लिए दुआ करूँगा, इंशाल्लाह आप सब लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द और साथ खैरियत से वहाँ पर पहुँच जाऊँ, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के। तो आखिर में यही है कि उन सब के लिए दुआ करें, उस भाई के लिए दुआ करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।